हाँ जी हेलो हाय, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है, हमें बताना है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, यानी कि ये टिक द करेक्ट ऑप्शन आप इसको समझ सकते हो। तो सबसे पहली बात, आप मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें, नंबर ऑफ रो चेक करें, रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर, यानी कि इसके अंदर चार रो है। और कॉलम की बात करें तो C1, C2, C3 एंड C4, यानी कि चार कॉलम्स हैं और चार इसके अंदर क्या है, रो हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये कितना आ जाता है हमारे पास, 4 × 4। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसने पूछा कि क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए रो नॉट इक्वल होनी चाहिए कॉलम्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए मतलब की। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, रो किस कॉलम किसके इक्वल आ गए, रो और कॉलम आपस में इक्वल है। दूसरे नंबर पे बात की इसने कि क्या क्या ये स्केयर मैट्रिक्स है। हाँ जी बिल्कुल है, स्केयर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम के। तीसरे नंबर पे ये बात कर रहा है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका ठीक है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आप बताएं मुझे क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि डायगोनल पे कोई भी एंट्री हो लेकिन यहाँ पे सब कुछ डायगोनल से ऊपर और डायगोनल से नीचे क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे चेक करो, ये आपका डायगोनल है और इसके ऊपर के एलिमेंट आपके पास हैं 3, 4, 5, यानी कि ये क्या होने चाहिए थे, सारे जीरो, तो ये क्या बन सकती थी, डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। फिर बात करता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी ट्रायंगल बनेगी ना वो डायगोनल से नीचे बनेगी, यानी कि डायगोनल का यूज़ करके और नीचे वाले एलिमेंट्स का यूज़ करके बनेगी, और ऊपर वाली एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसमें उल्टा है, इसका मतलब क्या हुआ, लोअर ट्रायंगुलर आपके पास नहीं आ रही है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी बिल्कुल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये देखिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, आपकी इस तरह से ये ट्रायंगल आ रही है और नीचे वाली एंट्री सारी जीरो है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एफ ऑप्शन जो बात करता है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है स्केलर मैट्रिक्स। उसकी कंडीशन क्या थी हमारे पास, जो डायगोनल पे एंट्रीज हैं, जो डायगोनल पे एंट्रीज हैं वो सारी सेम होनी चाहिए, इस तरह की कंडीशन कुछ थी। डायगोनल पे एंट्रीज मान लो के कुछ भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे क्या होने चाहिए थे, जीरो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं आती है। क्या कोई बच्चा बताएगा, डिस्कस करें, क्या ये रो मैट्रिक्स है, नहीं है जी ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो चार रो है, रो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, एक रो होनी चाहिए। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, नहीं जी ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या थी कि एक कॉलम होना चाहिए। क्या ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स बोल सकते हो आप इसको, एम्प्टी मैट्रिक्स या वॉइड, तीन टाइप सेम एक ही बात है, सब इसी के नाम है ये। तो क्या ये नल मैट्रिक्स है, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि नल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, सारी की सारी एंट्रीज जो होती है वो क्या होनी चाहिए, आपकी जीरो होनी चाहिए। तो ये मैंने 9 टाइप 10 टाइप की ट्रायंगल आपसे डिस्कस की थी, और इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है इसको चेकआउट कैसे करेंगे कि किस तरह की ये मैट्रिक्स रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे टाइप्स बचे हुए हैं, इसके बाद ट्राई डायगनल की बात करेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पर बात करेंगे, नीलपोटेंट हो गई, इन्वोल्यूट्री हो गई, सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ और बहुत सारे टाइप इसके हैं मैट्रिक्स के जो आपके यूज के हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।